या फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ उत्तराखंड की टॉप एजुकेशन और रोजगार परक न्यूज लेके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है आप खुद जानते हैं, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर ही देना। तो जो पहली न्यूज निकल के आ रही वो है रोजगार से लेकर, वो है कि उत्तराखंड के 99% उद्योग MSME के दायरे में आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, और 20 लाख करोड़ का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पैकेज का घोषणा हमारे PM जी ने की थी। तो उसके बारे में अलग अलग जो है आपने पढ़ लिया होगा। तो उसके तहत राज्य में उद्योग की परिभाषा बदलने से उद्यमों को मिलेगा फ़ायदा, जिसके अंदर 99 जो उद्योग हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आए हैं। इसके तहत जिला योजना के तहत आपको 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो कि निम्न वर्ग के उद्योगों के लिए काम में आएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निवेश और कारोबार के आधार पर उद्योगों की जो परिभाषा नई कली केंद्र सरकार ने की थी, उसमें 99% जो उद्योग एमई के अंदर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के आ रहे हैं। ठीक है, कैबिनेट ने एक दिन पहले ही उद्योगों की जो परिभाषा बदली थी उसके अनुसार ये निर्णय। इसमें जो है कि पहले सूक्ष्म उद्योग श्रेणी का लाभ लेने के लिए 25 लाख रुपए तक का निवेश की सीमा थी, जो कि अब 1 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अगर आप अपना कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ तक की उसमें आपको सहायता मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, जिससे हमारे जो PM का नारा था लोकल फ्रॉम वोकल या वोकल टू लोकल, ये अपने परवान चढ़ सकता है। तो आई होप सो, अगर आप उत्तराखंड में हो और अपना निजी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज और गुड न्यूज हो सकती है। तो चलिए अब दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। तो दूसरी न्यूज की तरफ है कि कोरोना खत्म हो या टीका बने तभी स्कूलों को भेजेंगे अध्यापक। ये पूरे विश्व भर में ये पैंडेमिक जो छाया हुआ है उसके वजह से स्कूल बंद हो गए हैं, एजुकेशन संस्थान बंद हो गए हैं, सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। इसके तहत एक हमने न्यूज कल ही कवर की थी, जिसमें कहा गया था कि अभिभावक और स्कूल संस्थान अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। इसके लेकर एक मुहिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब चालू हो गई, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, चाइना, कनाडा से के अभिभावक जुड़े हैं, जिसमें 4.29 लाख लोग जुड़े हैं, जो ये चाहते हैं कि जब तक आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये हैशटैग चल रहा है, #JuneTooSoon मुहिम या NotSafeNotSchool, इस तरह के दो हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसका अर्थ आप देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये लंदन में हो रहा है। तो कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल न जाएं, बिकॉज हर माँ बाप को अपने बच्चों की टेंशन रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि विश्व में अजीबोगरीब नियमों पर सवाल उठा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, कि डेनमार्क में अप्रैल में स्कूल खोले जाएंगे मगर बच्चों की संख्या बेहद कम होगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। तो देखते हैं कब तक ये चीज़ होता है। वैसे भारत में स्कूल ओपन होने की जो डेट है वो है 15 जुलाई। चलिए अगली जो हमारी न्यूज है वो है कि ऑनलाइन मिलेगी धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त। तो अब उत्तराखंड में जो अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं या अपना विरोध जताना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए ऑनलाइन आपको इसकी इजाज़त भी दी जाएगी, इसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे आप वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डेटास को डाल के वहां से परमिशन पुलिस के द्वारा ले सकते हैं। जिस वेबसाइट का नाम है वो मैं आपको बता देता हूं और वो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, dehradun.traffic.police.uk.gov.in। ठीक है, इसमें आप रैलियाँ, प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्राएं, खेलकूद से या फिर कोई महोत्सव हो से रिलेटेड परमिशन ले सकते हैं। तो अगली न्यूज जो
निकल के आ रही है वो आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो इस बार आपकी काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा इस बार आपको जो समर वैकेशंस हैं उसमें भी आराम से बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना बैठ चुके हैं लॉकडाउन में, तो उसको आप कहीं ना कहीं तो आपको हर जाना भुगतना पड़ेगा। तो इस बार छुट्टियों में भी करनी पड़ेगी पढ़ाई, ठीक है। कई छात्रों का कहना है कि जो रूटीन चेंज हो गया उसके लिए आपको नए असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे, जैसे सीबीएसई की ओर से शेष परीक्षाएं, जैसे आप ऑलरेडी हमने आपको बताया भी है कि जो एग्ज़ाम होंगे 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सीबीएसई काउंसलिंग की जाएगी कि हाँ मतलब जो स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली दे आर कैपेबल वो हैंडलिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आफ्टर दिस पैंडेमिक, ठीक है। इसके लिए अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या उनसे कोई परामर्श देना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चला होगा 1800-118-004 पर फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसका समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। अभिभावकों और छात्रों से अपील की जाती है कि जरूरत पड़ने पर ही इस का लाभ उठाएं, नहीं तो इंडिया में अगर फ्री की चीज़ मिलती है तो उस पर सब टूट पड़ते हैं। चलिए, जो अगली हमारी जो न्यूज़ है वो बहुत ही बेहद और शानदार है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, जहां पर हम आपको बताएंगे कि सीएम स्वरोजगार योजना का आरंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार से परक एक वेबसाइट लॉन्च की है, mysy.uk.gov.in, जहां पर आप अपना डेटा रजिस्टर कर सकते हैं और अगर कोई भी जॉब आपके रिलेटेड होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएम के आईटी सलाहकार रविंदर दत्त ने बताया कि वेबसाइट को उत्तराखंड सरकार के आईटी पार्क में, मतलब डेटा भी वो है, जो आपका डेटा होगा वो भी उत्तराखंड में ही रखा जाएगा, इसका होस्टिंग भी वहीं होगी। योजना में आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। इसमें आपको अपनी नाम पता शैक्षिक योग्यता वगैरह इसमें सब डालना पड़ेगा। उद्यमशील युवाओं को कोरोना की वजह से जैसे सभी लोगों को अपना घर वापसी हुई है, ये आपके लिए एक अच्छा चांस है। जिसे अभी आपने स्टार्ट में ही न्यूज़ में हमने बताया कि 99% जो उद्योग हैं एमएसएमई के अंदर आ गए हैं, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। और इससे भी गवर्नमेंट की जो ये वेबसाइट है msy.uk.gov.in, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो तब तक आप इंतज़ार करिए और इस न्यूज़ का आनंद लीजिए। तो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट वो न्यूज़ है कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि 5,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। वो क्या लाभ होगा कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके लिए ये कहना है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का। ये तो इस बारे में हमने कई न्यूज कवर की है, तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्योंकि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा तो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगी। तो यार ये रैपअप आपको जल्दी से मैं रैपअप कर देता हूँ न्यूज़ का। तो ये मेरी न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसे लगी एजुकेशन से और रोजगार प्रक्ष लेकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटिंग उत्तराखंड की शिक्षा जगत और रोजगार प्रक्ष न्यूज़ को लेकर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।